इससे पहले वीडियो में मैंने आपके मैनीक्योर की जितनी भी 3-4 क्रियाएं वो बताई थी, नेल पेंट रिमूव करना, फाइलिंग करना, स्क्रबिंग और क्लीजिंग। आज मैं आपको इसके आगे के स्टेप बता रही हूँ। इससे मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसमें शैम्पू डाल दिया है, डिटोल डालेंगे, सॉरी सेवलॉन डालेंगे, एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हाथों को डिप करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को अच्छे से डिप करेंगे, इसके बाद राइट हैंड, और हमको पैटर्न के ऊपर भी टॉवल को रैप करना है जिससे उसके कपड़े गंदे ना हो। अपने ऊपर भी एक टॉवल को लगाएंगे जिससे कपड़े गंदे ना हो। इसको 4 से 5 मिनट तक गुनगुने पानी में रहने देंगे जिससे जो है गंदगी वगैरह वो फूल जाए और अच्छे से सफाई हो जाए। इसके बाद हम 4-5 मिनट डिप होने के बाद इसको नेल ब्रश करेंगे। इसको हम धीरे धीरे यहाँ पर चला सकते हैं इस तरह से हल्के हल्के हाथ से। इसी तरह से दूसरा हाथ से करेंगे। इसके बाद हम पीनिंग स्टोन का यूज ले काम में लेंगे, है ना। इसको धीरे धीरे चलाएंगे, शैम्पू के पानी में डिप करते रहेंगे बीच बीच में, इसको ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में धीरे धीरे चलाएंगे। धो जाने के बाद इस पानी को उठा के दूसरा पानी लेंगे, सादा पानी। उसको हाथों को सादे पानी से साफ करेंगे। इस तरह से हाथों को साफ करेंगे नैपकिन से। अब हम पुशिंग करेंगे, इसके लिए क्यूटिकल्स क्रीम लगाएंगे। क्यूटिकल क्रीम लगाने से जो क्यूटिकल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। पुशर है, इसकी सहायता से हम क्यूटिकल को पुश करेंगे। इसको इस तरह से चलाया जाता है, यहाँ से हल्का सा लेंगे और यहाँ जाके थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करेंगे। यहाँ हल्का सा लेंगे, यहाँ के ये जो क्यूटिकल्स होते हैं इनको उठाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे करके।
आगे की तरफ से हमें हल्का सा लेके जाना है, यहाँ जाके थोड़ा पुश करना है इस तरह से। इसको साफ कर देंगे। अभी है फिर ये ऑरेंज वुड स्टिक, इसको हम एक हाथ में हम कॉटन लेंगे, इसको नेल्स के नीचे की तरफ जो डर्ट होती है उसको साफ करेंगे इस तरह से, और इसको कॉटन में लेते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा हाथ का करेंगे। इसके बाद क्यूटिकल्स निकालेंगे बिल्कुल हल्के हल्के से, यहाँ से जो उठे हुए होते हैं क्यूटिकल्स वो निकल जाएंगे। इसको कोटक में लेके साफ कर लेंगे। धीरे धीरे चलाना है जिससे स्किन आ जाए, स्किन में सिर्फ डेड स्किन ही आए इस तरह से। इसके बाद उसको डॉट क्लीन करेंगे। इसको साफ करने के बाद वापस पानी में निकालेंगे हाथों को, डिप करेंगे। अब इसके बाद अगर कोई गंदगी वगैरह लगी रह जाती है तो उसको नेल ब्रश की सहायता से साफ कर लेंगे। इसके बाद हाथों की मसाज करेंगे। हाथों की मसाज मेरे अगले वीडियो में बताई जाएगी।